أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات السلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران خان اور میں ہوں حلیمہ ذوالفقار سحری کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری ہر سحری کی طرح آج کی سحری میں بھی یہی دعا ہے کہ ہماری ہر سحری کا آغاز اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور عظیم نام سے ہو اور ہماری ہر افطار بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی شروع ہو آمین سم آمین ناظرین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے بالکل عمران بلا شبہ قرآن مجید راہ ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا اسے اس کے لیے آسان بنا دیا جائے گا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة من ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى ولا إلى أهلهم لأهلهم يرجعون صدق الله العظيم ما شاء الله سبحان الله ناظرين الله تعالى فرماتا ہے या निसा नबी लस्तुन्ना काहद मिनन निसाई ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों तुम और औरतों जैसी नहीं हो। नाज़िन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का की मालदार मुअज़्ज़ज़ और आला नस्ब खातून थी। आपका ताल्लुक कबीले कुरैश से था। आप वो थी जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था और पहली उम्महातुल मोमिनीन का दर्जा भी हासिल किया। आपके बारे में अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इन जैसी कोई बीवी नहीं दी। इन्होंने मेरा उस वक्त साथ दिया जब कुफार मक्का ने मुझ पर जुल्म सितम की हद कर रखी थी और इन्होंने उस वक्त अपने माल से मेरी मदद की जब लोगों ने मुझे इससे महरूम कर रखा था। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सीरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर। बिल्कुल, बहुत अहम टॉपिक है। औरतों को मेरे ख्याल से इससे बहुत ज़्यादा आगाही लेने की, गाइडलाइन लेने की ज़रूरत है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान। पहले जो हमारे मेहमान हैं उनका आप लोगों से तारुफ कराती चलूँ। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजीम फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। और हमारे दूसरे मेहमान हैं इलामा नूर हुसैन साहब। इलामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इलामा साहब गुफ्तगु का बाकायदा आगाज़। बिल्कुल जी, बाकायदा आगाज़ करें। डॉक्टर साहब, हस्ब मामूल आपसे हमारा आज का पहला सवाल है। आप हमें सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इब्तदाई ज़िंदगी और उसके अहम हालात व वाक़या से आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहब। वेलकम सर। सैयदा तय्यबा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया खतून अव्वल खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीक हयात, रफ़ीक हयात, मशीर हयात, गम गुसार हयात, जितने भी आपकी, सच्ची बात है, हम तो तारीफ़ो तौसीफ़ करें, हम 1% भी उसका हक अदा नहीं कर सकते। सैयदा खदीजा तुलकुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मुर्रखी ने बड़ी तफसील से आपके हालात ज़िंदगी जो है वो बयान भी किए, उसकी तहकीक वगैरह भी की। तो आपके वालिद माजद, आपका पूरा इस तरह नाम बनता है कि खदीजा बिनते खुवैलद इबन असद। आपकी वालिदा माजदा जो है वो फातिमा बिनते जैद। आप कबीला कुरैश की सिर्फ मुअज़्ज़ज़ नहीं, मुअज़्ज़ज़ तरीन खातून थी, मुतमव्वल तरीन, जिनके तजारती काफ़िले जो हैं वो जब मक्का से रवाना होते तो उनकी कतार मीलों तक लंबी होती थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उन्हें फितरतन एक पाकीज़ा कल्ब रूह अता फरमाई थी। वो होनी भी चाहिए क्योंकि अल्लाह करीम ने बिलाखिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीक हयात होने का उन्हें शर्फ़ मिलना था और अल्लाह का वादा है कि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं, पाक औरतों के लिए पाक मर्द हैं। तो आप की हयात तैयबा जो है वो इब्तदाई तौर पे
जब हम देखते हैं, क्योंकि हजूर सलातम की रफाकत में आप 25 साल रहीं, बिल्कुल, और आपकी उम्र मुबारक उस वक़्त 40 बरस थी जब हजूर सलातम से अकद मुबारक हुआ और हजूर सलातम की 25 साल थी। इससे पहले जो है आपके पहले जो शोहर थे वो अबू हाला थे, उनका इंतकाल हो गया, उनसे एक बेटी और बेटा था, एक जो है वो हाला और दूसरा हिंद जो है दूसरे। फिर उसके बाद आपका दूसरा का दुआ उनका नाम अतीक था, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, उनसे भी एक बेटी थी जिसका नाम हिंदा था। तो हजूर सलातम से तीसरे दर्जे में आपका अकद मुबारक हुआ, और उसके भी जो मेन असबाब हैं वो यही है कि आप अपनी तजारत को फ़रोग देने के लिए अच्छे तरीके से चलाने के लिए मैसरा नामी आपका एक खादम और ग़ुलाम था जो सारे कारोबार को वो हैंडल करता, इंतहाई मामला फाहम दानश्वर और लिखने पढ़ने में भी बड़ी महारत रखता था। तो उन्होंने हजूर सलातम के बारे में इतला मिली कि बनू क्रैश में एक ऐसा मुअज़्ज़ज़ नौजवान है जो सादक भी है, अमीन भी है, फैसल भी है। वैसे सरकार से 5वीं पुश्त में जाके इनका शजरा रस्म मिल जाता है। तो उन्होंने फिर मैसरा को खसूसी हदायत की कि तुमने हर मामला ध्यान से देखना है। तो हजूर सलातम जब वो तजारती काफिला मुल्क शाम तक ले के गए तो वह आपके मामला फाहमी हसनातो जो बातें थी वो भी देखता रहा, हरकात व सकनात का भी मुतालिया किया। वो खुद भी बड़ा एक ज़ेर किस्म का ट्रेडर था, कारोबारी था, सौदागर था, लेकिन हजूर सलातम का अंदाज़े तजारत देख के कि नफ़ा की शरह कम रखो, सेल ज़्यादा करो और लोगों को अकोमोडेट करो, जो कमियाँ हैं वो पहले माल की अलहदा बयान कर दो और साफ सुथरा करके बेचो, जिसमें कोई अंडर हैंड गेम ना हो। जी डॉक्टर साहब, अगर इसी बात में हम इलामा साहब को भी शामिल कर लें, इलामा साहब उनकी जो ज़िंदगी है वो ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा नमूना है, उनकी गाइडलाइंस पे हमें चलने की ज़रूरत है, तो उसके बारे में बताएं उन्होंने क्या क्या मुश्किलात देखी अपनी ज़िंदगी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और फिर भी वो उनके साथ कैसे खड़ी रहीं, उसके बारे में जरा। जी मोहतरमा हलीमा साहिबा, ये बड़ा अहम सवाल का ये हिस्सा है कि उनकी ज़िंदगी के जो अहवाल हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़्द के बाद, ताकि मुस्लिम ख़वातीन को एक वाज़े पैगाम मिल सके। बड़ी मालदार मुतमवल ख़ातून थी, क़िबला डॉक्टर साहब ने इस पर सैर हासिल बहस फरमाई है। तिजारत के ऊँट मीलों तक नज़र आते थे, तो वो सारा माल उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। फिर आप अलैहिस्सलाम जो है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सदक़ात फरमाते थे, सखी थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने वो लोगों की इआनत के लिए, गुरबत व इफ़लास के ख़ात्मे के लिए, और फिर मुसलमानों के लिए भी जो मफलूकुल हाल थे उनके लिए भी वो माल वक़्फ़ फरमा दिया था। तो ये सारा माल उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया, और मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जो आयत मुबारक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, हमने आपको जो है वो ज़रूरतमंद पाया तो गनी फरमा दिया, तो तंगदस्ती को गना में तब्दील फरमा दिया। तो ये हज़रत खदीजा के माल के ज़रिए अल्लाह ताला ने आप पर फजल व इनाम फरमाया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, डॉक्टर साहब ने बड़े मुख्तसर लेकिन जामे अल्फाज बयान फरमाए हैं कि किस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमगुसारी करती थी। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत हुई, वही का नुज़ूल हुआ, एलान नबुव्वत फरमाया, तो आप पर मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़े। एक तो ये है इसमें कि आप अलैहिस्सलाम पर हमले होते थे, लोग आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ ज़बाने तान दराज करते थे, आप अलैहिस्सलातुवस्सलाम के दिल मुबारक को तकलीफ पहुँचती थी, तो उस वक्त फिर हम गुसारी करती थी, आप अलैहिस्सलाम का गम बांट देती थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। और इसके साथ साथ वो जो मुकाता था जो आपके खिलाफ कुरैश के सरदारान ने, मुशरिकी ने, मक्का ने मुकाता किया, और कुरैश के जो अफराद थे
जो ईमान लाए थे वो भी उसमें शामिल हुए, और जो मुसलमान थे दूसरे वो भी उस मुकाता की नज़र हुए। ये कम व बेश 3 साल ये मुकाता रहा, उनके साथ लेन देन भी बिल्कुल एक जेल की कैफियत थी। तो देखें जी, इतनी हज़रत खदीजा जो मुतमवल थी, जिन्होंने बड़ी पुरतायुश ज़िंदगी गुजारी थी, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। अगर चाहती तो उन्हें उस जो उनकी ब्रांच थी वो मुस्तस्ना हो सकती थी, लेकिन उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया और वहाँ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम बांटा। हत्ता कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत खदीजा का जब विसाल होता है ना जी, तो आप पर गम के पहाड़ टूट पड़े और उसे सीरत में आमुल हुज़्न का नाम दिया गया है। लुब लुबाब यह है जी कि वो हुजूर की गम गुसार रही, हर मुश्किल में हुजूर का साथ दिया उन्होंने, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माल भी पेश कर दिया। ख़वातीन इस्लाम को ये सबक मिलता है कि वो अपने शोहरों की गमगुसार बनी रहें, उनकी मुआविन बनी रहें, उनके साथ घरेलू मामलात में भी मुआवनत करें और बच्चों की नगहदाश्त परवरिश में भी अपने अपने शोहर का हाथ बटाएं। इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी इतनी वसी है और उस पर इतनी बात कर सकते हैं हम, कि ये वक्त जो है सहरी का बहुत थोड़ा है, लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है वक्फे का, मजबूरी है हमारी वक्फा लेना, जल्दी से वक्फे पर जाएँ और वापस आएँ, बात के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएँगे। कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, मगर वक्त हुआ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आइए सुनते हैं आज का नाते का। अर्श फर्श पर आका आपके उजाले हैं, अर्श फर्श पर आका आपके उजाले हैं, मेरे जैसे लाखों ही मोहम्मद, मेरे जैसे लाखों ही आपने संभाले हैं। कौन सा मैं जाहिद हूँ, कौन सा मैं साजिद हूँ, कौन सा मैं जाहिद हूँ, कौन सा मैं साजिद हूँ, आपका हवाला है आका, आपका हवाला है, हम आपके हवाले हैं, क्योंकि मेरे जैसे लाखों ही मोहम्मद, मेरे जैसे लाखों ही आपने संभाले हैं। तेरी नौकरिया का असल बादशाही है, तेरी नौकरिया का असल बादशाही है, को क्या खबर होगी जिनके दिल पे ताले हैं, क्योंकि मेरे जैसे लाखों ही मोहम्मद, मेरे जैसे लाखों ही आपने संभाले हैं। अर्श फर्श पर आका आपके उजाले हैं, तपती रेत पर देखो बिलाल ने पढ़ा कलमा, तपती रेत पर
इश्क ही निराले हैं, क्योंकि मेरे जैसे लाखों ही आपने संभाले हैं। अर्श फर्श पर आका आपके उजाले हैं, मेरे जैसे लाखों ही मोहम्मद, मेरे जैसे लाखों ही आपने संभाले हैं। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। जी हलीमा, आज की सहरी में हमारे लिए कौन सी अच्छी बात लेकर आए हैं? इमरान, आज की सहरी में टॉपिक जो है वो इतना बड़ा है और इतना भारी है कि उसके अलावा कोई बात करने का दिल ही नहीं कर रहा मेरा। तो जितनी भी ख़वातीन मुझे देख रही हैं, उनको मैं यही बताना चाहूँगी कि इतनी मालदार खातून होने के बावजूद जब उनके मियाँ को उनकी ज़रूरत पड़ी उनके साथ की, तो उन्होंने अपना सारा माल इस्लाम की राह में वक्फ कर दिया। तो हमें भी इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत है। बहुत सारी ख़वातीन जो है उनको अपने ज़ेवर से इतना प्यार होता है कि वो कहती हैं कुछ भी चला जाए, हमारा ज़ेवर ना जाए कहीं। तो मेरे ख़्याल से रिश्तों की अहमियत होनी चाहिए, इंसानों की अहमियत होनी चाहिए, इन चीज़ों की नहीं। तो यही आज की छोटी सी बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हलीमा, आपने बिल्कुल सच फरमाया, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक ऐसा है कि एक दूसरे के लिए लिबास हैं। बिल्कुल, और लिबास वही होता है जो ज़रूरत में एक दूसरे को ढांपता है। आज़ीन, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, वक्त एक छोटे से वक्त का, मिलते हैं वक्त। नाज़रीन, वक्फे के बाद आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर सहरी की खसूसी ट्रांसमिशन में। अब वक्त हुआ जाता है हमारे खूबसूरत से कलाम का, चलते हैं कलाम की तरफ। सवार खायामद खबरम रसीद इमशब के निगार खायामद हम आहुआन सहरा सर खुद निहादा बर कफ हम आहुआन सहरा सर खुद निहादा बर कफ बाओ में दयां के रूजे बाओ में दयां के रूजे बशिकार खायामद बाउमीदियां के रूजे बशिकार खायामद सर मन फिदाए राहे के सवार खायामद बलबम रसीदा जानम तू बिया के जिंदा मानम बलबम रसीद जानम तू बिया के जिंदा मानम
पसजा के मन ना मान बचकार खायामद सरे मन फिदाए राहे के सवार खाए आमद बयका मदन रबूदी दिलो दीनो सब्र खुसरो केशवद अगर बदीसा दोसे बार खायामद केशवद अगर बदीसा दोसे बार खायामद खबरम रसीद अंशब के निगार खायामद सरे मन फिदाए राहे के सवार खायामद माशाल्लाह बहुत खूब सुभान अल्लाह। चलते हैं सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद पाक के बारे में कुछ बताएं, उनकी शख्सियात, उनके अहम पहलुओं पर रोशनी डालें थोड़ी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह करीम ने जो औलाद की नेमत है, ख़ास तौर पर सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके ज़रिए नसीब फरमाई। आपके हजूर से अकद से पहले भी औलाद में तीन शामिल थे, एक बेटी और दो बेटे जो हैं, लेकिन आपके साथ जब आपका अकद मुबारक हुआ तो उस तरफ आपने भी तो तवज्जो मबजूल करवाई कि बीवी की हैसियत से बीवियाँ जो हैं उनकी 50 लाख भी तनहा हो तो उनकी कोशिश होती है खोटी कोडी हस्बैंड के हाथ से ना रहे। वो कैसी अजीम खातून बल्कि ना जाए बल्कि ले ले उससे, अब अपने वाले साइड पे रख दे उनसे ले ले, उनसे लेते हैं। तो वो कैसी अजीम खातून थी कि मीलों लंबा जिनका तजारती काफिला है, वो जू ही जो है वो आपके साथ वाबस्ता हुई है, हर शह हजूर के कदमों पर ढेर कर दी। लेकिन ये टिट फॉर टैट है, क्योंकि सरकार ने इतनी उनको मोहब्बत दी, इतना एहतराम दिया, इतना प्यार दिया, ऐसी चाहत दी, ऐसा खलूस अता किया कि सैयदा बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि मुझे ज़िंदगी में किसी औरत पे इतना रश्क नहीं आया जितना सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला पे, कि सरकार जब भी तन्हाई के ख़ास लम्हात होते तो मोहब्बत से उनको याद करते। और ये भी आपने फरमाया कि अल्लाह करीम ने मुझे औलाद की नेमत उनसे दी, और उस वक़्त उन्होंने कलमा पढ़ा कि जिस वक्त सारी दुनिया जो है वो अंधेर नगरी बनी हुई थी, और ये वो खुशबख्त खातून है कि हजूर के बाद इस रुवे ज़मीन पे जो हजूर के पैरोकार पहला जो है वो सैयदा खदीजा था, उसके बाद हज़रत अली पाक, वो भी इन दोनों को नमाज पढ़ते हुए देखा तो वो मुतासर होकर वो शामिल हो गए। फिर सिद्दीक़ अकबर, फिर उसके बाद ज़ैद बिन हारिस। ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बुनियादी तौर पर हज़ूर अलैहिस्सलाम तो इनके ग़ुलाम थे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के, जो उन्होंने हज़ूर को पेश किए। तो आपको अल्लाह करीम ने चार बेटियाँ, बड़ी सैयदा ज़ैनब, उससे छोटी सैयदा रकिया, उससे छोटी सैयदा उम्मे कुलसूम, और चौथे नंबर पर हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और दो साहबजादे अल्लाह ने अता किए, बड़े जो थे जिनका नाम कासम था, जिसकी नस्बत थी सरकार की कुनियत अबुल कासम,
दूसरे साहबजादे जो थे वो अब्दुल्ला अता किए, तो इत्तफाक ऐसा कि उनकी इब्तदाई उम्र में दोनों साहबजादे जो हैं आपके इंतकाल फरमा गए, लेकिन आपकी साहबजादियाँ जो हैं बड़ी जो है उसकी शादी जो अबू लहब के बेटे से हुई, लेकिन जब हज़ूर ने ऐलान नबूवत किया तो उसने जो है बाप के कहने पे उसके शोहर ने गालबन उतबा उसका नाम था उसने तलाक दे दी। छोटी जो बहन थी सईदा रकिया वो अबू लहब के छोटे बेटे तैबा से हुई, वो हज़ूर ने ऐलान नबूवत किया उसने भी तलाक दे दी। फिर उसके बाद आपने उनका आकद जो हज़रत सैयद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किया और उनके साथ ही पूरी जितर अफशा भी की। और जब वापस मदीना में जो है वो तशरीफ़ लाए तो फिर जो है उनके वसाल के बाद जो है उनके से जो छोटी थी सैयदा उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनका आकद भी हज़ूर ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला से किया। और जब ग़ज़वा बदर की फतह की खबर पहुंची तो साथ उनके वसाल की भी खबर जो है वो हुई, तो उस पर फिर सरकार अब दीदा भी हुए कि उस्मान अगर मज़ीद अगर ऐसी सूरत हो जाती तो मैं आपके अकद में बेटी दे देता। तो सबसे छोटी जो साहबजादी थी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनको सैयदा निसाउल आलमीन भी कहते हैं, उनकी हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला से तो ज़्यादा आपकी नस्ल पाक का सिलसिला जो है इनसे जो है वो आगे चला। तो इस एतबार से अपनी हयात तैयबा में आप जो बेटियां थी आपने अच्छी ऐसी एक सही आइडियल माँ के तौर पे, एक आइडियल बीवी के तौर पे, एक आइडियल बेटी के तौर पे आपने अपने बाप की प्रॉपर्टी जो जिनकी अकलौती वारिस थी उनको अच्छी तरह संभाला, उसको अरूज दिया, बच्चों की भी परवरिश ठीक की, और सरकार के साथ जो आपने तावुन किया वो तो क़यामत तक आने वाली औरतों के लिए एक ज़रबुल मिसाल। अलामा साहब की जाने बढ़ते हैं। अलामा साहब, आपसे हमारा सवाल ये है कि आपके बारे में कुरान और हदीस में हमें क्या तालीमात मिलती हैं, या क्या आपके बारे में आपके किरदार और सीरत के बारे में हमें मिलता है? जनाब इमरान ख़ान साहब, बुनियादी तौर पर तो उनकी अजमत और मर्तबे को वो तमाम आयात वाज़ह कर देती हैं जो उम्महातुल मोमिनीन के साथ ख़ास है। तो उस एतबार से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया व अज़वाजुहू उम्महातुहुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मोमिनों की माओ का दर्जा रखती है। तो अब माओ का दर्जा ये एहतरामन है, लेकिन कोई यानी जिस तरह अब माओ के साथ एक बिल्कुल एक कुर्ब होता है, या वो चीज़ें वो अलग से जो है अहकाम है। फरमाया वैदा साल तुमुहुन्ना मतान फस अलूहुन्ना मिवराए हिजाब, अजवाज मुताहरात से जब कोई सवाल पूछे कोई तालीम शरीयत का कोई हुक्म तो वराए हिजाब वो सवाल करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो अजवाज मुताहरात का मर्तबा बयान किया है, मैं यकनुत मिन कुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहन नुतिहा अजरहा मरतैन व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत गुजार अजवाज मुताहरात का मर्तबा ये है। फरमाया कि उन्हें दूसरी औरतों के मुकाबले में नेक आमाल का अजर डबल दिया जाएगा। और फिर फरमाया खसूसियत के साथ अल्लाह ताला ने उनके लिए रिज़्क़ करीम तैयार किया है। फिर जो आयत है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैते व युताहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे इरादा करता है कि ऐ नबी पाक के अहले बैत तुमसे हर तरह के रिज्स और पलीती को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक और साफ रखे, यानी तुम्हारे अकीदा और अमर में कोई झोल नहीं है, अमल भी पाक है अकीदा भी दुरुस्त है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सनद अता फरमाई है, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा इनमें शामिल है। अब वो जो आयत मैंने सूरतुद दुहा की जो तिलावत की थी कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला ने जो आपको गिना अता फरमाई तो आपके माल हज़रत खदीजा के माल के ज़रिए, तो ये कुरान मजीद की आयात उनकी इस अजमत को और सीरत के खसाइस को बयान करती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमनत भी हीन कफर बिन्नास व सद्दकतनी हीन कज़्ज़बनीन्नास वस्तनतनी बिमालहा व रज़क़नी अल्लाहु मिन हल वलद,
फरमाया वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोगों ने इनकार किया, उन्होंने मेरी तस्दीक की जब लोगों ने मुझे चुटलाया, उन्होंने अपने माल से मेरी दिलजोई की और अल्लाह ने उनसे मुझे औलाद अता फरमाई। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने माल पेश कर दिया, ये बड़ी अजमत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ये शान बयान की जाती है कि सिद्दीक़ के लिए है खुदा और उसका रसूल बस। तो कुरान की ये आयत कहती है कि हज़रत खदीजा के लिए भी है खुदा और उसका रसूल बस, ये उनकी सीरत की अजमत है। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जबरील अमीन मेरे पास आए और उन्होंने मुझे आकर अर्ज़ की कि तकरा अलैहिस सलाम अन रब्बिहा व अन्नी, मेरी तरफ से और उन हज़रत खदीजा के रब की तरफ से उन्हें सलाम पेश कीजिएगा, वो अभी आपके पास खाने का और पीने का सामान लेकर हाजिर हो रही हैं। और ये भी वबशर हा बेबैतिन फिल जन्ना मिन कसब ला सखब फीहे वला नसब, उन्हें बशारत दें कि अल्लाह ताला ने मोतियों से जड़ा हुआ घर आरास्ता और मुजयन कर उनके लिए बनवा दिया है जन्नत में, जिसमें न शोर होगा न उकताहटो तकलीफ होगी, ऐसा घर उन्हें अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। तो ये अजमत उनकी सीरत की वजह से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालेहाना अकीदत और कुर्बानियां देने की वजह से उन्हें अता हुई है, जो कुरान और सुन्नत इस पर दलालत करते हैं। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल रहमत हैं, महबूब कायनात हैं, जो आपसे जुड़ता गया वो मुमताज़ होता गया। लेकिन जहाँ तक बात सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है, आपके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अल्लाह ने मुझे ऐसी कोई बीवी नहीं दी। और वो साल जिसमें आप इस दुनिया से रुखसत हुई, उस साल को आपने आमुल हुज़्न का नाम दिया, यानी गम का साल कहा। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। जी, वक्फे के बाद एक बार फिर आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आखिरी लम्हात हैं सहरी के, चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि उम्महातुल मोमिनीन का कुरान पाक और हदीस में की रोशनी में क्या मर्तबा और मकाम होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में और वैसे भी ओवरऑल? जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आइडियल शख्सियत है, यकीनन आपकी अज़वाज मुतहरात भी उसी सांचे और उसी उन्नी सिफात से मुज़य्यन है, वो भी उसी सांचे में डली हुई है। और उसी तरह आपकी आगे औलाद पाक जो है सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको देख ले। तो उम्महातुल मोमिनीन के बारे में जो कुरान पाक में बड़े वाज़ेह अहकामात हैं, जब कोई मर्द या बीवी फौत होती है तो रिश्ता अज़वाज मुनक़ति हो जाता है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात को ये एजाज़ हासिल है कि उनका हुज़ूर के पर्दा कर जाने के बावजूद उनका कद मुनक़ति नहीं हुआ। वो उसी तरह कुरान में अल्लाह ने सख्ती से फरमाया कि कोई उनके साथ ऐसा तसव्वुर भी ना करे कि उनके साथ बाद में निकाह करे। ये नबी के अज़वाज हैं, ये दुनिया में भी आपकी साथी हैं और जिस जन्नत में हुज़ूर होंगे उस जन्नत में भी उसी तरह साथी हैं। वहाँ जो है वो उनका वही स्टेटस होगा जो मर्द अव्वल का, जो खातून अव्वल का होना चाहिए। तो इस एतबार से अहले ईमान, हर मुसलमान को उनके लिए, अब हमारी एक नहीं, सौ नहीं, लाखों माएँ उनके कदमों पे कुर्बान हैं जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज होने का शरफ हासिल किया, जिनकी शान के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब है और इसके अलावा सूरह नूर है, फिर इसके अलावा मुतअद्दिद कुरान पाक की आयतों के अंदर उनकी शान बयान की। और उनके लिए अकीदत और मोहब्बत के जज्बात अपने दिल में रखने चाहिए, बल्कि अहले नज़र का ये मौक़िफ़ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अगर मोहब्बत और दिल जोई चाहते हो, मसलन इमाम रब्बानी मुजद्दद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जब भी तो खाना वगैरह पकाता तो उस पर फातिहा शरीफ वगैरह पढ़ के तो मैं हुज़ूर की खिदमत में साले सवाब करता था सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के वसातत से। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ख़्वाब में दीदार हुआ तो हुज़ूर ने चेहरा अनवर फेर लिया। तो मैंने अर्ज़ की, हुज़ूर मैं, मेरे माँ बाप आप कुर्बान, मुझसे क्या गुस्ताखी हुई कि आपने चेहरा अनवर फेर लिया?
तो हज़ूर ने फरमाया कि ऐ शेख अहमद, मैं खाना अपनी बीवी घर सईद आयशा के घर से खाता हूँ। तो फरमाते मेरी आँख खुली, मैंने इस पे गौर किया कि वाकई बेटी के घर से खाना माँ बाप के लिए कोई एजाज़ नहीं, अपने घर से अपनी बीवी के हाथ के या उनकी तरफ से। तो उसके बाद मुझे समझ आई कि मैं अज़वाज मुतहरात को वसीला बनाकर हुज़ूर को पेश किया करूँ, फिर हुज़ूर अपने औलाद पाक को, अपनी साहबजादियों को, बच्चों को इसाले सवाब, जिस तरह की हमारा एक अकीदा है कि जब इसाले सवाब किया जाता है तो अगर सारी मखलूक भी शामिल की जाए तो सब को अल्लाह अजर और सवाब देता है और पेश करने वाले की अजर और सवाब में भी कमी नहीं आती। तो इस एतबार से जो अज़वाज मुतहरात हैं वो उम्महातुल मोमिनीन है, ये तो कुरान ने कहा कि वह अज़वाज उम्महातुहुम। तो जिस तरह माँ के लिए इंसान के अंदर हमेशा मोहब्बत अकीदत के जज्बे होते हैं और मर मिटने का जज्बा होता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो सरकार की जो अजवाज हैं जो उम्महातुल मोमिनीन है उनके कई गुना बढ़ के किस कदर बढ़ के उनके लिए रुतबा मुकाम है। कोई दिल में ऐसा किसी हवाले से कोई बदअकीदगी या कोई बुरा सबर लाना, ये यकीनन बहुत ही इंसान के लिए ख़तरनाक है। तो इस एतबार से फिर उनकी सीरत को आइडियल बना के हमें अपनी बेटियों को, अपनी ख्वातीन इसी पे बात अलामा साहब पे करते हैं। अलामा साहब, आपसे हमारे आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल यही है कि एक मुसलमान खातून अपनी मुख्तलिफ हैसियतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कैसे रहनुमाई हासिल कर सकती हैं? जनाब इमरान खान साहब, ये इंतहाई अहम सवाल है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्लिम ख़वातीन के लिए एक मॉडल की हैसियत रखती है। तो उनकी बड़ी भरपूर ज़िंदगी है, जैसा कि डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे बाकायदा नमाज की जो फर्जियत के अहकाम थे न जी, वो तो बाकायदा तौर पर हिजरत के अरसे में ही वो हुए, लेकिन उससे पहले जब आपकी बेअसत हुई तो जो नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, नमाज अदा फरमाते थे आप, दो रकात नमाज होती थी, तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप नमाज अदा फरमाते, फिर बाद में हज़रत अली भी शामिल हो गए और फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी बाद में वो इसी सिलसिला से मुनसलक हुए। तो मुस्लिम ख़वातीन के लिए इसमें आपकी सीरत से ये जो फैज़ है उन्हें नसीब होता है वो ये कि नमाजों की पाबंदी वो किया करें, कि नमाजें ये इंतहाई अहम फरीज़ा हैं जी, पांच नमाजें हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज हैं। इसके साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, ये हज़रत खदीजा का शिहार था, आप अलैहिस्सलाम का जो हुक्म होता था। अब देखें कि उन्होंने कुर्बानी दी, मुकाता में वो शरीक रहीं, तो मुस्लिम ख़वातीन के लिए हज़रत खदीजा की सीरत से ये एक पैगाम वाज़े होता है कि अपने शोहर के हालात ज़िंदगी के बदलते रहते हैं, कभी ज़िंदगी उसर से इबारत होती है, कभी यसर से, कभी माली हालात अच्छे होते हैं, कभी तंग होते हैं, तो शोहर कभी कारोबार अच्छा नहीं होता, माली मामला तंग होते हैं, तो उसमें आपने शोहर के साथ बड़ी खुशी से ज़िंदगी गुजारे और उसी तरह आपने शोहर को मकाम और मर्तबा दे, ये हज़रत सैयदा की सीरत से सबक दिया गया है मुस्लिम ख़वातीन को। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, आपकी सीरत हर मुसलमान औरत के लिए एक उस्वा कामिल है। आप बीवी थी तो तमाम नामसाइद हालात में अपने शोहर के साथ खड़ी रहीं, वालिदा थी तो खुद ताहिरा थी तो बेटी ज़हरा कहलाईं, और मोमिना थी तो अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी औलादों को उनकी सीरत पे अमल दरामद करने की पूरी तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी, सहरी का इख्तिताम हुआ जाता है, आप लोगों से यही गुजारिश है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमें इजाज़त दें, कल तक के लिए अपना और अपने वालदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।